श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तजनों, मैं हूँ शिव भक्त प्रीति और लेके आई हूँ आज का नया वीडियो। इससे धन कम हो, संपदा ना हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ की जिंदगी निकल रही है, 2 रुपए भी अगर खाने के लिए नहीं है तो एक बार प्रयास करना, घर में ही प्रदोष के दिन घी का दिया लगाकर या मंदिर में शंकर के घी का दिया लगाकर उसमें 2 बाती, कितनी बात, 2 बाती रखना, चाहे तुम लंबी रख लो चाहे गोल गोल, पर रखना 2 ही बात, घी का दिया लगाकर दुख दहन स्त्रोत का पाठ, दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ बाजार में किताब मिल जाएगा, नहीं मिले तो मोबाइल पर सर्च कर लेना, उसमें निकाल लेना उसका पाठ, कम से कम 5 प्रदोष तो करो। और बाबा विश्वास रखना, शिव महापुराण पर अगर पहली प्रदोष पर आपने अगर घी का दिया लगाकर आसन लगाकर शंकर के सम्मुख में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव की पूजन कर कर दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दिया, तो विश्वास रखना कि 5 प्रदोष तक तो बाबा खुद करुणा कर देगा, आपको मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना है, और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा के सही पानी पूरा उंडेल कर डाल कर शिवलिंग पर आ जाए, झोली पसार कर प्रणाम करिए, शंकर की देहली पर 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण करिए, कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल में प्रदोष के समय पर प्रदोष के दिन बैठ कर शिव नाम का जाप करें, जल का पात्र वापिस घर में ले आए और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन फिर प्रदोष काल में शिव के द्वार जाना, फिर विनती करें कहीं मत जाना, केवल शंकर की शरण में जाना, उससे कहना, उससे निवेदन करना, मुझे विश्वास है मेरे शंभू पर। स्कंद पुराण आती है,
शिव महापुराण कहती है अगर आपने दो या तीन या चार प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली तो भर ही देगा। प्रयास करना जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़े तो पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके एक बेलपत्र, बन सके पांच बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र हरा मुंह शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में प्रदोष के समय वो जल मुंह समी पत्र और बेल पत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। दो या तीन प्रदोष करोगे बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। दो या तीन करो बाबा करे, परेशानियां पर परेशानी आ रही है तो पीछे मत हटना। दुख दहन स्त्रोत का पाठ बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर, सीधे हाथ में घी का दिया, उल्टे हाथ पर तेल का दिया और सामने बेलपत्री का वृक्ष हो और दुख दहन स्त्रोत का पाठ सोमवार की सोमवार बेलपत्री के पेड़ की छाव में करना प्रारंभ कर दीजिए। दो चार सोमवार कर देखो बाबा आपके दुख को काट देगा। दुख दहन स्त्रोत का पाठ अग्रण्यता प्रदान कर देगा। उस पाठ को करने से पहले एक माला श्री शिवाय नमस्तु। और फिर निवेदन, अगर दुख दहन स्त्रोत का पाठ भी नहीं कर सकते तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शमी पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे ये जगह पर जाकर आप थोड़ा सा जल जिसमें लाल चंदन मिला हो उस जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर दुख दहन स्त्रोत का पाठ नहीं कर सकते तो लाल चंदन का जल उन वृक्ष के नीचे, और चंदन कितना सा डालना है, मात्र एक जरा सा छींटा। ये नहीं कि नहीं, तो कई कई लोग तो बड़े होशियार हैं, चंदन घिस के ढेर सारा कटोरी बन के डालते हैं, इनका कई ठीक है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।